जी नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं गोविंद पटेल और आप देख रहे हैं गोविंद पटेल ब्लॉग। मैं आज आया हूँ हमारे धान के खेत में। यहाँ पर आज हम लोग लगाए थे टूलू पंप, इसकी एक पाइपलाइन फट गई थी तो उसी को पहले रिपेयर करता हूँ। ये वाला जो फटा है ना, तो यहाँ से पूरा इस साइड को ख़त्म कर दिया है। और यहाँ भी आप देख रहे होंगे धान को कुछ अच्छा खासा नुकसान किया है, वो पानी का जो प्रेशर था उसी के वजह से। और आप अभी देख रहे होंगे इसमें जो है धान की बालियाँ निकलने वाली है, निकली नहीं है एकदम। मैं आपको दिखाता हूँ सारे के सारे। तो इसमें जो इसका प्रेशर पड़ा था उसी के चक्कर में थोड़ा सा इधर नुकसान किया है, थोड़ा उस साइड को कर दिया। जो पाइप लेने ये कम से कम 300 फीट का है और लगभग 10 फीट बाद फटा हुआ है, तो मेरे को इसको लगभग 12 से 15 फीट खींचना पड़ेगा। तो इसको खींचने के पहले मेरे को इसका पानी को निकालना पड़ेगा, तभी ये खींचाएगा। ये पाइप 300 फीट का है तो इसीलिए मेरे को थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा। देखते हैं आगे क्या होता है, नहीं होता है तो उसको काट के ना एक पाइप वगैरह जुगाड़ होती है तो उसी का व्यवस्था करते हैं। पहले देखते हैं कि उधर क्या हाल है। चल मैं, यहाँ थोड़ा मोड़ पड़ जा रहा है अचानक से, तो इसी चक्कर में पाइप का प्रेशर बढ़ जा रही है। और अभी तो भाई मौसम एकदम बुरा हाल कर दिया है, पानी गिरे लगभग 15-20 दिन हो चुके हैं, उसके बाद तो धूप ही खिला हुआ है। हालांकि नीचे तालाब है, पानी स्टोर करके रखें। तालाब में ना बहुत ज़्यादा, अब देख रहे होंगे इसमें कितना मछलियाँ अभी आ जा रही है, सब मर गए हैं शायद। ठीक है, अब देख भी रहे होंगे कि इसमें कितने सारे मछलियाँ आ जा रही हैं तालाब से। को दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखिए कि सारे के सारे मछलियां हैं जो जा रही हैं, इसमें फंसी हुई हैं सारे मछलियां। वो मेरे ख्याल से पंप से खींचा के आ गए हैं। अरे बहुत ज़्यादा हैं यार मछलियां, कुछ तो ज़िंदा भी हैं, बहुत तो मर गए हैं। क्या होता है कि जो मोटर का प्रेशर आता है ना पानी का, तो उसके वजह से ये लगभग ख़त्म हो जाते हैं। एक रीज़न ये भी है यार पाइप का फटने का, यहाँ भी थोड़ा सा मुड़ जाता है। कहीं भी अगर हल्का सा मुड़ हो जाता है ना, तो उसके बाद पाइप फटना श्योर हो जाता है। यहाँ पर हम लोग पानी छोड़ते हैं, ये 300 फीट है टोटल, तो यहाँ भी कुछ ज़्यादा ही नुकसान किया हुआ है। ओके, बाकी काम तो हो गया, देखते हैं चालू करके क्या पोजीशन है अभी। और कुछ कहीं दिक्कत तो नहीं है, बंधाई का काम भी अच्छे से टाइट से किए हुए हैं। अब चालू करके ही देखते हैं क्या हालत है। ये चालू हो गया जी, पानी तो जा रहा है, बंधान वगैरह तो सब ठीक है, लीकेज वगैरह तो कम है, वहाँ थोड़ा सा लीकेज हो रही है। चलो आज का काम तो ख़त्म हुआ, देखते हैं उधर क्या पानी का क्या पोजीशन है। पहले वहाँ तक आ रहा था तो अब यहाँ तक आ रहा है, उसको काटने के बाद ये वाले खेत में होने के बाद पानी जा रहे है उस खेत में। और ये वाला जो प्लान है अपना लगभग 4.5 एकड़ का है और पूरे के पूरे खेत में धान ही लगी हुई है। ये साइड थोड़ा जंगली इलाका होने के चलते आप देख रहे होंगे खेत के एक खेत से दूसरे खेत में लगभग 10 फीट 5 फीट का फासला हो जाता है, मतलब खेत ऊपर नीचे ज़्यादा रहते हैं। और अभी सूर्यास्त भी होने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिएगा।